लेकिन मेरा जो लीस्ट काउंट निकलता है वो थिंबल का रीडिंग से निकलता है। किसका रीडिंग से निकलता है? थिंबल का रीडिंग से निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि थिंबल मतलब एक चक्कर में कितना चलता है। क्या पढ़ रहे हैं माइक्रोमीटर में? क्या क्या हम लोग कर लिए? 500 माइक्रोमीटर जान लिए, 500 माइक्रोमीटर भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। और क्या जान लिए हम लोग? माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर भी जान लिए। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर जाने जान लिए। क्या है माइक्रोमीटर का सिद्धांत? क्या है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? यदि कोई पूछे माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। क्या लीस्ट काउंट? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट किसी भी मापी यंत्र द्वारा लिया जाने वाला छोटा से छोटा मान लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीट्रिक सिस्टम वाला। कौन सा सिस्टम वाला? मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट हमको लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लीस्ट काउंट निकालने के लिए समझ गया, आज लीस्ट काउंट बढ़िया से समझ गया, वो रीडिंग लेने में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यदि फॉर्मूला पर हम लोग आएंगे तो फॉर्मूला से तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? नट और बोल्ट। नट और बोल्ट, ठीक है। देखिए ये है मेरा नट या बोल्ट का चूड़ी। क्या है चूड़ी? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। हाँ थ्रेड है ये चूड़ी का नाम है। इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं चूड़ी को, ठीक है। और एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पिच। इसको हम लोग पिच बोलते हैं। सबसे ज्यादा आपको समझना ये जरूरी है कि पिच, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि माइक्रोमीटर में डिस्प्लेसमेंट कैसे किया हुआ होता है। एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरा कौन सा बना रहे हैं, ठीक है। एक दो तीन चार पांचवा में पांच लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और नीचे हाफ एम एम वाला निशान रहता है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से मेरा 25 तक मान लीजिए चल जाएगा। एक पांच, ये जो 25 वाला लाइन रहेगा वो मेरा थिंबल से थिंबल वाला लाइन से मिला हुआ रहेगा। इस तरह ये क्या हुआ? ये मेरा हाफ एम एम, हाफ एम एम वाला नीचे रहता है, ठीक है। ऊपर वाला को हम लोग कौन सा डिवीजन बोलते हैं? मेन डिवीजन। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला हो गया मेन डिवीजन, और नीचे वाला क्या हो गया? ये नीचे वाला हाफ एम एम वाला डिवीजन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब डिवीजन, ठीक है। ये हो गया मेन डिवीजन, ऊपर वाला जो एम एम वाला भाग है वो मेन डिवीजन, और नीचे हाफ एम एम वाला भाग जो है उसको सब डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो लीस्ट काउंट निकलता है वो थिंबल का रीडिंग से निकलता है।
किसका डिक्शन निकलता है? थिंबल का डिक्शन निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि थिंबल मतलब एक चक्कर में कितना चलता है। ठीक है, मान लीजिए यहां मेरा थिंबल है, थिंबल मेरा थिंबल स्टॉप कहां है? यहां। और जब थिंबल मेरा पूरा एक चक्कर यदि राउंड किया, एक पूरा घुमा, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, समझे? मतलब एक चूड़ी तय करेगा, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा। मतलब कितना दूरी तय किया? ये पीच की दूरी जो होता है ना मीट्रिक माइक्रोमीटर में, ये 0.5 एमएम होता है। कितना होता है? 0.5। हां, ये पीच कितना होता है? 0.5। मतलब थिंबल को यदि हम लोग पूरा घुमा देंगे, रैचेट को पकड़ के यदि हम लोग माइक्रोमीटर को पूरा घुमाएंगे, यदि एक चक्कर वो पूरा घूमेगा, चक्कर पूरा घूमता है, तो वो एक पीच आगे बढ़, मतलब एक चूड़ी आगे बढ़ जाता है, यहां से यहां तक की दूरी तय करता है, और दूरी वो कितना है? 0.5 एमएम। ठीक है, अब आइए थिंबल का ग्रेजुएशन कैसे किया हुआ होता है। ये मान लीजिए मेरा थिंबल है, कैसे थिंबल है, मान लीजिए ये वाला मेरा डेटम लाइन आ रहा है। ठीक है, अब क्या है मेरा कि यदि मेरा थिंबल एक पूरा घूमता है तो यहां से यहां तक आ जाता है, यहां से यदि चला तो यहां आ जाएगा हाफ एमएम। हाफ एमएम मतलब सब डिवीजन हुआ ना, यहां से आ जाएगा यहां, फिर एक चक्कर और घूमेगा तो एक एक एमएम की दूरी तय कर लेगा, फिर यदि तीसरा चक्कर घूमेगा तो 1.5 एमएम की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो थिंबल चलता कैसे, काम कैसे करता है? तो थिंबल यदि एक चक्कर पूरा घूमेगा तो 0.5 एमएम की दूरी तय करेगा। जे हो जे कोई गुना दो गल्ला ले सुना।